अष्टमी की जय गौ माता की। पूरे देश में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य था, उस पर कार्य हो रहा है। और इस समय देख सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह से गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज गोपाष्टमी के दिन पूरे देश में गौशालाओं में इसी तरह गौवंश को संरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन यही गौ माता इन आश्रय स्थलों से अपने घर जाएंगी और वहाँ किसान इन्हें ठीक से अपने खेत पर रखेगा। और जो भी लोग स्लॉटरिंग कर रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं, उन्हें साफ संदेश देना चाहता हूँ कि अब योगी और मोदी का राज्य है, इसमें किसी भी आतताई को, गौ तस्कर को पकड़ा जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जिन गौशालाओं में अनियमितता बरती जा रही है वो भी इस चीज़ को सुन लें कि उनके खिलाफ़ भी कठोर कार्रवाई होगी। जिस तरह सीतापुर एक मॉडल है, सीतापुर हम लोग गए, वहाँ पर कठोर कार्रवाई हुई उन सभी अधिकारियों के खिलाफ जो गौशाला के पैसे में हेराफेरी कर रहे थे। और मैं सबको, देश भर के लोगों को, किसानों को कहना चाहूँगा कि गौ माता को घर ले जाइए, किसानों के पास रहनी चाहिए, खेत पे रहनी चाहिए, घर पे रहनी चाहिए। गौ सेवा से उत्तम दुनिया में कोई सेवा नहीं है। उधर भी है।